नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, अभी हम मधेपुरा अंतर्गत खुर्दा करवेली में हैं। बोले तो गरीबों के मसीहा हर दिल अजीज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आवास पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लंगर वगैरह चल रही है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये पर डे होती है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो राजनेता है, वो किस तरीके से करते हैं। मात्र एक शेरे बिहार कहलाने वाले पप्पू यादव में ये चीज देखा गया, चाहे वो बिहार के किसी कोने में हो, चाहे बिहार से अन्य प्रदेश में हो, सब जगह उनका एक ही चीज देखा गया कि गरीबों के लिए अगर कोई कार्य हो, कोई काम हो या उनका मदद के लिए हो, तो सबसे आगे पप्पू यादव जाते हैं और वहां पर देखते हैं। मदद की बात जहां तक हो, तो जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं वो इस तरीके का कार्य में रुचि नहीं रखते हैं। कारण पैसा जो खर्चा होगा तो जनसेवा काहे का होगा। यहां आप देख सकते हैं कि लगभग हजारों के तादाद में लोग यहाँ आते हैं। जनता अदालत लगती है। जब जब पप्पू यादव जी यहाँ घर पर आते हैं तब लोगों का सुनवाई करते हैं और एट ए टाइम उसका निवारण भी करते हैं। ये समझने वाली बात है। आइए हम जानते हैं उन्हीं शख्स से कि उनका क्या विचार है। खास सर, सबसे पहले तो सिपाही का जो भर्ती में अनियमितता हुई है, कहना होगा सर आप कि पहले तो समझिए, जो लगता है कि इस देश में जो आम लोग हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, इसके बच्चे बहुत जीनियस विभा काफ़ी है, जो बहुत बड़े व्यापक सहूलियत नहीं मिलने के बावजूद भी वो अपने प्रतिभा की बदौलत लक्ष्य को हासिल कर। इस अर्थ युग में मुझे लगता है जिस तरीके से एजुकेशन माफिया सबसे बड़े कोचिंग का जो इंस्टीट्यूट है, जो यूपीएससी बीपीएससी एसएससी की कोचिंग लेता है, क्वेश्चन को सेट कौन करता है, क्वेश्चन आते कौन इन कोचिंग माफियाओं से, और उसी तरह के सिलेबस को वो बच्चों के बीच लाता है। जी, ये जो बड़े कोचिंग है वहाँ पढ़ने कौन जाते हैं, बड़े पैसे वाले। जी, तो क्या इस देश में गरीब और आम आदमी के बच्चों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं? क्या वो सफल अभ्यर्थी नहीं होंगे? जितना भी एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, एसएससी के द्वारा, सेंटर, कोचिंग और पदाधिकारी, तीनों के नेक्सस से एग्ज़ाम हो जाते हैं। सेंटर बिक जाते हैं करोड़ों, 2 करोड़ 5 करोड़, और सेंटर के भीतर सारी सुविधा दी जा दे दी जाती है उन बच्चों को, जिनकी वसूली बाहर में 8 लाख से 12 लाख 13 लाख, बड़े एग्जामिनेशन है तो 20 लाख 40 लाख रुपये हो जाते हैं। अभी जो सिपाही भर्ती घोटाले में 160 जगह आपने केस किया, ये क्वेश्चन आउट कहाँ से हो? ये क्वेश्चन सीधा प्रिंटिंग प्रेस से आउट हो गया जी। तो प्रिंटिंग प्रेस जो इतना सुरक्षित होने के बाद क्वेश्चन आउट हो रहा है, तो इसका मतलब टॉप टू बटन सभी लोग इसमें इन्वॉल्व। सिंगल पर जांच क्यों नहीं हुई? चेयरमैन हमारी सरकार जो एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया, लेकिन 5 दिनों से 15,000 20,000 25,000 पर क्वेश्चन बिक रहे थे, करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने कमा लिए, और कमाने के बाद आज अभी तक हम बड़ी मछली पर हाथ नहीं दे पाए। और किनकी भूमिका है प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन निकालने में? आप वहाँ तक आप गर्दन पर नहीं जा पाए। क्या कोई भी एग्जामिनेशन बिना क्वेश्चन आउट हुए इस बिहार में क्यों नहीं होता, इस देश में क्यों नहीं होता? जैसे अभी शिक्षक का एग्जामिनेशन हो, बाहर से काफ़ी लोग आए, डाक शुरू है, 10 लाख 12 लाख 10 लाख 12 लाख 13 लाख 14 लाख, बाहर के अभ्यर्थी से 20 लाख, पहले आओ पहले पाओ। तो जिसके पास 20 लाख 10 लाख 8 लाख रुपया नहीं होगा वो तो अब नौकरी नहीं कर पाए, फिर नौकरी किसको मिलेगी? हम पूरी तरह इस केस को हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में SIT जाँच हो, इसमें चेयरमैन से लेके नीचे से ऊपर तक जो जो इन्वॉल्व है उस पर इंक्वायरी करके उस पर FIR लॉज हो, और इस देश में इतनी पारदर्शिता तो रहनी ही चाहिए ताकि मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों को वो जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, वो कम से कम सफल हो सके।
पैसे के कारण किसी की जिंदगी को खत्म कर देना, इससे बड़ा दुनिया में आतंक है क्या? इसलिए क्वेश्चन घोटाला लगातार होना ये आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। हम पुरजोर विरोध करेंगे किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन को कि जो सुरक्षित ना हो। पहले सेंटर कौन देता है, किसी भी सेंटर का चयन कौन करता है? पदाधिकारी। इसका मतलब है कि उस सेंटर चयन करने में ही वो करोड़ दो करोड़ 50 लाख रुपया ले लेते हैं। सेंटर चयन की प्रक्रिया में पैसा, क्वेश्चन छपने गए तब पैसा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम इस घोटाले को सरकार से मांग करते हैं कि किसी कीमत पर SIT की द्वारा